प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर आज विश्वविद्यालय परिसर में कुलाधिपति कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया। पिछले 46 दिनों से चली आ रही उनकी मांग पर जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरे से नकारते हुए ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन परीक्षाओं की घोषणा के बाद विद्यार्थियों ने जमकर विरोध करते हुए कुलपति कार्यालय को घेरते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और प्रशासन के निर्णय को रद्द कर छात्र हित में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग पर अड़ गए। अपनी मांग पूरी न होते देख कई छात्रों द्वारा आत्मदाह की कोशिश की गई, जिसे पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते और सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए नाकाम कर दिया गया। आत्मदाह की कोशिश करते हुए कई छात्रों ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और कुछ ने मिट्टी का तेल पीने की भी कोशिश की गई, पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा उन पर काबू पा लिया। इस पूरे घटनाक्रम में आधे दर्जन से भी ज्यादा छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस द्वारा उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जारी है, पर छात्र नहीं धरने से हटने को राजी है। छात्रों का कहना है कि पिछले 46 दिनों से लगातार हम अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमें पुलिस की मौजूदगी में आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर ध्यानाकर्षण करते हुए ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है और पूरी तरीके से एक सिरे से उनकी मांगों को नकारते हुए ऑफलाइन एग्जाम की तिथि तक घोषित करने की तैयारी की जा रही है, जिसे छात्र एकता एवं छात्र हित का हनन माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में छात्र उग्र रूप धारण करेंगे और जल्द ही अपने प्रदर्शन को और बड़े पैमाने पर सामने रखेंगे, तथा जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांग नहीं मान लेता है तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन करा सकती है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? सर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है और सर ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड मानी जाती है, तो ये बच्चों से अन्याय क्यों करते हैं? आपका परीक्षा? मेरा बच्चा देवरुद्र आईएलडीसी एफिलिएटेड कॉलेज। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं ऑनलाइन परीक्षा कराना, और इसलिए है क्योंकि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं ये ऑनलाइन क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर विश्वविद्यालय ने केवल ढोंग किया है। कोई भी क्लासेस पूरी पूरे समय से चल नहीं पाई, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ नहीं पढ़ाया है और परीक्षा ऑफलाइन नहीं पाते। अभी पिछली मीटिंग में हम लोग लगातार 40 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। पिछले मीटिंग में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि आधे से अधिक बच्चे ऑफलाइन का मांग कर रहे हैं, ऑफलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका फर्जी ढोंग है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने
मांगा। जो ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं वो अपना फॉर्म डाले, और जो ऑफलाइन की मांग कर रहे हैं वो अपना फॉर्म डाले। ऑनलाइन के पक्ष में लगभग 20,000 फॉर्म पड़े हैं और ऑफलाइन के पक्ष में 1,000 फॉर्म पड़े हैं। इसके बाद भी लियाबत विद्यालय प्रशासन अपनी बातों से मुकर गया है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक ऑनलाइन परीक्षा की निर्णय नहीं है। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि हम आज लगभग 42 से जो आंदोलन चल रहा है, कल वाइस चांसलर महोदय का फरमान आया है रात में कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन ही परीक्षा कराएंगे। तो हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान और यहाँ की छात्र छात्राएं जब ऑफलाइन पढ़ी नहीं तो ऑफलाइन परीक्षा क्यों देंगी, इससे कोई गुरेज नहीं है। यहाँ का 40,000 छात्र अपनी मांगे मंगवा के रहेगा, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो, इसको झेलने के लिए तैयार रहेगा। हम लोग जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक इसी तरीके से आंदोलन हो चलता रहेगा, और आने वाले 2-3 दिनों में इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा और हम लोग अपनी मांगों को मंगवा के रहेंगे। परिषद राहुल पटेल, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। काफ़ी संख्या में लड़के स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और इनका एक ही मात्र मांग है कि इनकी जो एग्ज़ाम्स है, जिसका इन्होंने कल एक कमेटी का रिपोर्ट आया है ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए, तो बच्चों का कहना है कि ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लिया जाए। और बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, एप्लीकेशन भी दिया है कि हमारा जो एग्ज़ाम उसको ऑनलाइन किया जाए। उसकी संख्या भी जो मुझे बताए काफ़ी बड़ी संख्या है, तो हमने बच्चों को आश्वस्त किया है कि हम इस पर ज़रूर तत्काल से वार्ता करेंगे VC मैडम से, और इस पर यथासंभव हम पुनर्विचार की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे एप्लीकेशन दिए उनकी बात सुनी अवश्य जाए, उस पर कुछ डिसीजन हो जाए। थैंक यू।